घर घर मिलेगा योजना का लाभ, अब हर क्षेत्र में होगा विकास, सही को चुने जनता तभी बनी रहेगी आस। झारखंड नगर निकाय चुनाव का चर्चा काफी जोरों पर है, सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लगातार जनता के बीच अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। दुमका जिला के बासुकीनाथ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 से निकेश कुमार भी लगातार जनता के संपर्क में है। बता दें, निकेश कुमार अनिल मंडल के सुपुत्र हैं। अनिल मंडल लगातार सामाजिक स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे हैं। वार्ड पार्षद प्रत्याशी निकेश कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो योजना का लाभ लेने लायक हैं, लेकिन उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। नगर निकाय चुनाव बहुत करीब है, जनता के आह्वान पर मैं भी वार्ड पार्षद के पद पर वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता जनार्दन का सहयोग आशीर्वाद मिला और मैं सफल रहा तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 3 का बेहतर विकास करूंगा, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी। इन दिनों पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव का चर्चा काफी जोरों पर है। सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं बासुकीनाथ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में, जहां से एक लोकप्रिय वार्ड पार्षद प्रत्याशी का चर्चा काफी जोरों शोर पर हो रहा है, जिनका नाम है अनिकेश कुमार। अनिकेश कुमार जी अनिल मंडल जी के सुपुत्र हैं और लगातार अनिल मंडल जी भी सामाजिक स्तर पर अपने भागीदारी को सुनिश्चित करते रहते हैं। इनके सेवा भाव को देखते हुए वार्ड के लोगों ने इन्हें प्रोत्साहित किया है और इस बार ये नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी होंगे वार्ड नंबर 3 से। अनिकेश से हम लोग जानेंगे कि अनिकेश का क्या मुद्दा रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ अनिकेश इस बार जनता के अदालत में जाएंगे। अनिकेश जी, इस बार प्रथम बार आप वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के तौर पर जनता के अदालत में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जो भी जनता है इसके विषय में जो भी कष्ट हो रहा है उसके बारे में बता रहा है कि इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, नाली निर्माण, सड़क योजना, ये सब के बारे में बता रहा है और जनता भी हमको चाह रहा है इस बार। तो कहीं ना कहीं लोगों से आप संपर्क स्थापित करते हैं, चूंकि आप जनता से जुड़े हुए हैं, आप एक CSP संचालक भी हैं, तो कई लोग आपके बीच पहुंचते हैं, अपने समस्याओं को रखते हैं, जिसमें सबसे अधिक मामला किस तरह का आता है आपके सामने? वृद्धा पेंशन के लिए, आवास के लिए, और वृद्धा पेंशन हो गया, आवास और नाली के लिए, सड़क योजना के लिए, साफ सुथरा के लिए। कहीं ना कहीं मतलब लोगों का समस्या है कि वृद्धा पेंशन जिनको मिलना चाहिए समय पर नहीं मिल पाता है या उनका नाम नहीं जुड़ पाता है, मोहल्ले में गली में नालियों का भी समस्या लोग आकर के आपसे बताते हैं। अगर आपके ऊपर वार्ड नंबर 3 के जनता भरोसा जताया और आपको वार्ड पार्षद के पद पर सुशोभित किया, तो प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा विकास का काम आप करेंगे? पहले करेंगे आवास का काम, जिसको नहीं मिला उसको पहले आवास दिया जाएगा और दूसरा फिर इंदिरा आवास आवास पे और वृद्धा पेंशन देंगे, जिसको नहीं मिला है उसको उसका काम पहले करेंगे। क्योंकि आप एक युवा हैं और नौजवान हैं, नौजवानों का युवाओं का भी कई तरह के समस्या आपके सामने आता होगा, कई बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका भी, तो क्या आप ये प्रयास करेंगे कि अगर आपको मौका मिला तो इधर आपके वार्ड क्षेत्र में कुछ बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बेहतर प्रयास हो, जरमुंडी की स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत किया जाए, सरकार के जो भी कर्मचारी हैं पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित करके? हाँ, व्यवस्था जरूर करेंगे।